बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक। नवी मुंबई महानगर पालिका में अपनी फौज के साथ पहुंचे ये हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड और उनके सोशल डिस्टेंसिंग का बुरा हाल। जी हाँ, आज सवाल यही है कि हाल ही में खुद की लापरवाही के कारण कोरोना के चपेट में आए मंत्री जी को क्या इतना आभास नहीं कि कम से कम अब तो नियमों का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद और अपने कार्यकर्ता को करना समझाएं। जितेंद्र आव्हाड के आंख के सामने और नाक के नीचे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई तो उड़ाई जा रही थी, वो भी महानगर पालिका मुख्यालय में, जहां से कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाने का नियोजन किया जाता है। अफसोस तो इस बात का है कि जितेंद्र आव्हाड महानगर पालिका में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मनपा के नियोजन का जायजा लेने आए थे, और पता है कब? वो भी 4 महीने बाद। अब जब नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण का ग्राफ 7,000 पार कर चुका है, तो अब नींद से जागे मंत्री जी को आई है नवी मुंबई महानगर पालिका और नवी मुंबई के जनता की याद। अब देखिए क्या कह रहे हैं जितेंद्र आव्हाड कि कैसे 8 दिनों में 2 लैब की व्यवस्था करेंगे। मी त्यांना सांगितलं की पुढच्या 8 दिवसांमध्ये कमीत कमी 2 लॅबची आपली तयारी झाली पाहिजे, त्याच्यासाठी मी स्वतः त्यांना मदत करणार आहे आणि पुढच्या 8 दिवसाच्या आत नवी मुंबईकरांना 2 लॅबची व्यवस्था आम्ही करून देऊ। अब सवाल ये उठ खड़ा होता है कि नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पर है, मगर अचानक नवी मुंबई महानगर पालिका में जितेंद्र आव्हाड का आना और आयुक्त के साथ बैठक करना संदेह का बादल उत्पन्न कर रहा है। एक तरफ बंद कमरों में पालक मंत्री एकनाथ शिंदे का बैठकें लेना और दूसरी तरफ जितेंद्र आव्हाड का मनपा मुख्यालय में खुले आम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते बैठक लेना, कहीं न कहीं ये साबित करता है कि इन दोनों ही नेताओं में कोऑर्डिनेशन की बेहद कमी है। एकंदरीतच याला प्रतिबंध घालण्यासाठी ज्याच्या काही उपाययोजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय करतायत, मंत्रिमंडळातले आम्ही सगळे सहकारी त्यांच्या बरोबर आहोत, थोडस मतभेद असतात घरामध्ये असतात त्याच्यात काही फार नाही, पण ह्या रोगाला प्रतिबंध घालण्यासाठी म्हणून ते जे काम करतात त्याला साथ देण्याची आमची जबाबदारी आणि तसे पवार साहेबांचे आदेश आहेत। आलोचकों का आरोप है कि थाने में कोरोना ने तो कोहराम मचा रखा है, वहाँ की स्थिति को नियंत्रण में लाने में विफल साबित हो रहे ये दोनों ही मंत्री अब नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाने पर निकले हैं। ऐसे में आज जितेंद्र आव्हाड का दौरा कोरोना संक्रमण रोकने से ज्यादा कोरोना संक्रमण फैलाने और शक्ति प्रदर्शन करता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।